written. Good morning, student. Today we have discussed on topic animals. This is lesson 10 of EBS book. Animals means janwars. We see many animals in around us. हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सारे animals को देखते हैं. Some animals are big and some are small. उसमें से कुछ animals ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं. They are different shape, size and color. वो shape, size और color के भी क्या होते हैं? Different होते हैं. सारे animal एक ही shape, एक ही size और एक ही color के नहीं होते हैं. They need food, breathe and water to live. उन्हें जीवित रहने के लिए उन्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए. जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो दोनों जगह रहते हैं, जो जमीन पर भी रहेंगे और पानी के अंदर भी रहेंगे. जैसे अब देखिए लैंड एनिमल. Those animals which live on land are called land animal. ऐसे animal जो land पर रहते हैं, यानी जमीन पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Land animal बोलते हैं. जैसे cow हो गया, dog हो गया, monkey हो गया, etc. ये ऐसे animal जो जमीन पर रहेंगे, land पर रहेंगे. ये water में नहीं रह सकते, water में ये survive नहीं कर सकते हैं. लैंड एनिमल इज ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल. लैंड एनिमल को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कह सकते हैं.
keep some animals our home. कुछ ऐसे एनिमल है, कुछ ऐसे जानवर है जिन्हें हम क्या करते हैं अपने घर में रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर, जिस एनिमल को हम अपने घरों में पालते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेट एनिमल. जैसे एग्जांपल में हो गए, बहुत सारे लोग काउ पालते हैं ना अपने घर में, डॉग को भी पाले हैं, कोई शौक से कैट भी पाल लेते हैं, जिन्हें हम पालते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, पेट एनिमल्स. Some animals live in forest or car wild animal. कुछ ऐसे animal है जो जंगल में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, wild animals means जंगली जानवर. जैसे lion हो गए, tiger हो गए, इन्हें हम अपने घर में नहीं पालते हैं, ये कहाँ रहते हैं, forest में रहते हैं. Some animals live in water, are called water animals. कुछ ऐसे animals हैं, कुछ ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं या फिर पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, water animals. Water animals is also known as aquatic animals. Water animals को हम aquatic animals भी बोल सकते हैं, क्योंकि aquatic means होता है water. Example में जैसे fish हो गई, मछली हो गई और octopus. ये क्या है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रह सकते हैं. अगर हम पानी से बाहर इनको निकाल दें तो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ये मर जाएंगे. पानी के बाहर ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. अब आइए एम्फीबियन. एम्फीबियंस क्या है, ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल विच लीव ऑन लैंड एंड इन
वाटर बोथ प्लेस. ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, वो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियन. Those animals which live on land and in water are called amphibians. जैसे example में ले लीजिए frog. Frog ऐसा animal है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी, जैसे crocodile, मगरमच्छ. कैसे animal है ये? जो बोथ प्लेस यानी दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी, इसे हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियन. अब आइए बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स बैठो. बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई. जो बर्ड्स हैं वो आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ सकता है या उड़ सकते हैं. दे फ्लाई देयर विंग्स. वो किसके थ्रू उड़ते हैं? ऐसा क्या चीज बर्ड्स में है जिससे वो आसमान में उड़ सकते हैं? विंग्स है. विंग्स मीन्स पंख है. पंख के थ्रू क्या करते हैं बर्ड्स? फ्लाई करते हैं. पैरट हो गया. ये क्या करता है? अपने पंख के थ्रू फ्लाई करता है, उड़ता है. अब आइए इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े. ये स्मॉल एनिमल है, वेरी स्मॉल एनिमल्स हैं. इंसेक्ट इज वेरी स्मॉल एनिमल. जो इंसेक्ट है वो बहुत छोटे एनिमल्स है, मतलब बहुत ही छोटे. दे इनके कितने लेग्स होते हैं? सिक्स.
सिक्स लेग्स, इनके पास छह पैर होते हैं। एनिमल तो है ये बहुत स्मॉल, लेकिन इनके जो पैर हैं वो सिक्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स भी होते हैं, विंग्स मींस पंख, जिससे वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब इंसेक्ट्स में आ जाइए, इंसेक्ट्स के एग्जांपल हैं, एग्जांपल मैं ऊपर लिख दे रही हूँ इंसेक्ट्स वाला, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंसेक्ट्स का एग्जांपल है ये, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल में हो गया स्पाइडर, एंट, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो एक्सेट्रा। ये क्या है, जो ये बहुत स्मॉल एनिमल है। आप मकड़ी देखे हैं कितनी स्मॉल होती है, एंट भी क्या होता है बहुत छोटी होती है, हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटो ये ऐसे एनिमल है, बहुत स्मॉल एनिमल्स हैं। इनके सिक्स पैर होते हैं, इनके जो लेग्स होते हैं वो सिक्स होते हैं, और इनके पास पंख भी होते हैं। सारे एनिमल्स के पास नहीं, लेकिन कुछ के पास पंख भी होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई के पास, मॉस्क्यूटो के पास, मक्खी और मच्छर के पास क्या होते हैं, इनके पास पंख भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। बंद कर दो।